करवा चौथ व्रत विधि। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री एकत्र करें। व्रत के दिन प्रातः स्नानादि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पोत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत महे करिष्य। पूरे दिन निर्जला रखें। दीवार पर गैरू से पलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे बर्ब कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। आठ पूरियों की अठावरी बनाए, हलवा बनाए, पक्के पकवान बनाए, पीली मिट्टी से गौरी बनाए और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाए। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाए, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी ओढ़ाए, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। बायना या भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दे। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रौली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय। सर्वाण्य सौभाग्य संतति शुभाम प्रियच्छ भक्ति युक्ताना नारिणा हर वल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद चलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्ध दे। इसके बाद पति से आशीर्वाद ले, उन्हें भोजन कराए और स्वयं भी भोजन कर लें।